Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं मिडन टेक यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी के बारे में, जैसे हम CSRF या XSRF या सेशन राइडिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से कैसे रिलेटेड है ये, और किस टाइप का अटैक है, कैसे काम करता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, तो उसके बारे में एक थ्योरी वीडियो बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि होता क्या है एक्चुअली। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल हैकिंग में, और आजकल इसकी वल्नरेबिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज में पाई जा चुकी हैं। आज भी ये बहुत सारी साइट्स में प्रेजेंट होता है और बहुत ईजिली इसे हैक किया जा सकता है। तो अब मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ। मान लीजिए आप एक वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, वो एक बैंकिंग वेबसाइट है, कोई बैंक की वेबसाइट है, तो आप उस पर लॉगिन कर रहे हैं, आपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, आपने जो भी उस बैंक ने मांगे हैं आपने क्रेडेंशियल्स डाल दिए, तो आपने यूज़र नेम डाला, आपने पासवर्ड डाला। बैंकिंग की साइट आप क्यों खोलते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए या अपना अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए? तो आप ऐसी किसी साइट पर जा रहे हैं, उस पर लॉगिन कर रहे हैं, जो भी आपसे मांग रहा है वो आप डाल दे रहे हैं। तो लॉगिन करने के बाद बेसिकली क्या होता है कि जो सर्वर है वो एक सेशन क्रिएट करता है, आपका एक सेशन क्रिएट होता है, वो ये बताता है कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो और इस टाइम पीरियड के लिए आप उस साइट पर लॉगिन रह सकते हो। उस साइट की डेटा, जो आपकी डेटा उस सर्वर पर स्टोर्ड है, वो आप एक्सेस कर सकते हो इस टाइम के लिए। तो सेशन कैसे पता चलता है? सेशन पता चलता है सेशन आईडी से। तो सर्वर आपके लिए एक यूनिक सेशन आईडी क्रिएट करता है और उससे मोस्ट कॉमनली एक कुकी में स्टोर करता है, एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है, और उसे आपको भेजता है, जिससे आपका ब्राउज़र अपने स्टोरेज में स्टोर कर देता है। मतलब आपके कंप्यूटर में एक कुकी स्टोर होती है जिसमें आपका सेशन इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। हर बार जब भी आप किसी लॉगिन साइट में लॉगिन करते हो, या बड़ी बड़ी बैंक्स या किसी भी ऐसी साइट पर लॉगिन करते हो, तो आपके लिए एक सेशन क्रिएट होता है और वो सेशन स्टोर होता है आपकी कुकी में। तो ये काम होता है, ये ब्राउज़र कॉमनली करते हैं। और जब भी आप उस साइट पर रिक्वेस्ट भेजते हो उस सेशन पीरियड के अंदर, तो जो कुकी उस साइट के लिए आपके ब्राउज़र ने स्टोर की है, हर बार वो कुकी जाती है, हर HTTP रिक्वेस्ट पे वो कुकी हर बार जाती है जब भी आप उस साइट पे फिर से रिक्वेस्ट करोगे। और कुकी का एक टाइम पीरियड होता है, और इस टाइम तक के लिए कुकी रहेगी, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी, और एक्सपायर होने के बाद आपका सेशन भी एक्सपायर हो जाएगा और फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जब तक कुकी अलाइव है, तब तक हर बार जब भी आप उस साइट पर रिक्वेस्ट करोगे, वो ब्राउज़र भी वही कुकी को भेजेगा उस सर्वर तक जो कुकी आपने स्टोर करके रखी है, जो आपके लॉगिन डिटेल स्टोर करती है। अब यहाँ मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक अटैकर हूँ, ठीक है। अब मैं अटैकर हूँ, अब मुझे ये करना है कि आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं, हो सकते हैं जितने भी पैसे हो, लेकिन मैं एक फिक्स्ड अमाउंट मैं फिक्स कर लूँगा, और मुझे ये चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएं। और मुझे आपके क्रेडेंशियल्स नहीं पता हैं, आपका पिन नहीं पता है, आपका यूज़र नेम वगैरह कुछ नहीं पता है, तो मैं आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता हूं, लेकिन मुझे फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहां मैं क्या करूंगा, मैं अपने सर्वर पे, अपने बनाए हुए सर्वर पे एक फाइल या एक कोड या एक वेब पेज ऐसा बनाऊंगा जो आपकी बैंक वेबसाइट पे पॉइंट करेगा, ठीक है, आपके बैंक वेबसाइट पे पॉइंट करेगा। और उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे, जैसे गेट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे साइट पे आप क्वेश्चन मार्क डाल के उसमें आईडी लिखते हो, या कोई ऐसा पैरामीटर लिखते हो, जैसे ट्रांसफ़र फंड्स का पैरामीटर हो गया कि कितने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैंने पैरामीटर्स भी उस लिंक में दे दिए, मैंने पूरा एक लिंक बनाया है, और उस लिंक को मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जब तक मैं उस साइट पर लॉगिन नहीं हूँ। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस लिंक को, जो ट्रांसफ़र फंड करने का लिंक है, ट्रांसफ़र फंड्स की जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने अपना अकाउंट नंबर दे दिया है, मैंने अपना IFSC कोड सब कुछ उस पैरामीटर्स में दे दिया है, सब इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब मैं उसको जब खुद एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, तो सबसे पहले वो लॉगिन मांगेगा, क्योंकि इस अकाउंट में मैंने लॉगिन किया ही नहीं है, मेरा सेशन बना ही नहीं है, तो फिर वो कैसे मुझे ऑथेंटिकेट करेगा। यहां मैं क्या करता हूं, यहां मैं खुद उस साइट पर विजिट नहीं करता हूं, यहां मैं उससे विजिट करवाता हूं जो पहले से ही उस पर लॉगिन है। वो मैं कैसे करता हूं, वो यही काम आता है सोशल इंजीनियरिंग का, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी अटैक के लिए। अब सोशल इंजीनियरिंग से मैंने अपने सर्वर पे जो HTML फाइल स्टोर की हुई है, जिसमें लिंक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो वो लिंक एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो इन्फेक्टेड मलिशियस लिंक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने अपने सर्वर पे वो फाइल स्टोर कर दी, और विक्टिम को ये लिंक भेजा है अपने सर्वर का, उस फाइल का लिंक भेजा है। तो विक्टिम को मैं कैसे भेजता हूँ, ये मेरा क्रिएटिविटी है, पूरी मेरी क्रिएटिविटी है, और सोशल इंजीनियरिंग से मैं भेज सकता हूँ।
तो अगर मैंने किसी तरीके से विक्टिम को ल्योर कर दिया कि इस लिंक को क्लिक करो और वो इस लिंक को क्लिक कर देता है, तो वो HTML पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। और HTML पेज के अंदर मैं लिंक कैसे डालता हूँ, कोई इमेज सोर्स हो गया या कोई एंकर टैग का सोर्स हो गया, कैसे भी मैं उसको लिंक को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो वो लिंक जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, क्योंकि विक्टिम पहले से ही लॉगिन है, क्योंकि विक्टिम के पास सेशन आईडी है, उसके पास कुकी है, तो जब भी वो उस बैंक अकाउंट में रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो कुकी भी जाएगी, और वो कुकी जाएगी मतलब उसको सर्वर को पता चल जाएगा कि ये लॉगिन है, और वो उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। और जब वो इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो जो ट्रांसफर फंड्स की जो अमाउंट थी, जो अकाउंट नंबर था, जो IFSC था, सब कुछ ऑथेंटिकेट हो जाएगा और उसके अकाउंट से पैसे मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि उसने पहले से लॉगिन किया हुआ है। मैंने नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट की है। रिक्वेस्ट जनरेट तभी एग्जीक्यूट होगी जब मैं लॉगिन हूं, लेकिन मैं लॉगिन नहीं हूं, विक्टिम लॉगिन है, तो मैं विक्टिम से ही वो काम करवाता हूं। इसको सिंपल भाषा में समझने के लिए आप एक सिनेरियो ले सकते हो, जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, वहां एक बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हो, और वो सिक्योरिटी गार्ड तभी किसी को अंदर जाने देगा जब उसके पास इनविटेशन हो उस बर्थडे पार्टी का। तो मैं मान लीजिए मेरा एक दोस्त है जो जिसको इनविटेशन मिला हुआ है, मुझे नहीं मिला है, इनविटेशन उसको मिला हुआ है, और वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलता है कि उसको दिखाता है ये मेरा इनविटेशन है, मुझे अंदर जाने दो, तो वो गार्ड देखता है इनविटेशन और वो अंदर ना जाने दे देता है उसको, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे जाऊँ। अब मैं अपने फ्रेंड को ये बोलूँगा कि तू मुझे अंदर लेके जा, और वो जब भी अंदर जाएगा मैं उसके साथ जाऊँगा, मेरे पास इनविटेशन नहीं है, लेकिन एक इनविटेशन से दो लोग जा सकते हैं क्योंकि मैं छुप गया उसके पीछे, मैं उसके साथ साथ जा रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही है, आप खुद से ऑथेंटिकेट नहीं हो, आप जो ऑथेंटिकेट है उससे ये काम करवा रहे हो, और गलती इसमें उसी की होती है क्योंकि वो आपके लिंक में क्लिक कर देता है। अभी कैसे होता है, जो गेट पैरामीटर्स होते हैं ना साइट के, जैसे मैंने ट्रांसफर फंड्स का पैरामीटर ले लिया, जैसे मैंने अकाउंट नंबर का पैरामीटर ले लिया, तो bank.com/transfer funds = this amount या बैंक अकाउंट नंबर इक्वल टू दिस, ये सब, ये पूरा एक लिंक जनरेट करता है हैकर। वो लिंक जनरेट करने के बाद विक्टिम को भेजता है, और एक फोर्ज्ड रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर, लेजिटिमेट रिक्वेस्ट जो विक्टिम है वो नहीं जाती है, फोर्ज्ड रिक्वेस्ट जो मैंने भेजी है वो जाती है सर्वर के पास। तो वो उसके साथ उसकी कुकी भी जाती है, उसके साथ विक्टिम की कुकी भी जाती है, तो वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, यही होता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आप सब काम विक्टिम से करवा रहे हो, आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो। तो सिर्फ एक लिंक पे क्लिक कराने से विक्टिम का कितना नुकसान हो सकता है ये आप सोच सकते हो। उसके अकाउंट से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, जितने भी उसके अकाउंट में होंगे, ये सब जा सकते हैं सिर्फ एक लिंक पे क्लिक करने से। और आजकल तो ये ज़्यादा होता नहीं है बैंक अकाउंट्स भी, क्योंकि सब सिक्योर हो गए हैं, और गेट पैरामीटर्स आजकल कोई एक्सेप्ट करता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोस्ट रिक्वेस्ट में भी ये काम करता है। और पोस्ट में ये कैसे काम करता है, आप अपने सर्वर पर, जो अटैकर का सर्वर है उस पर एक फॉर्म बनाता है, फॉर्म के एक्शन में उस बैंक का लिंक डाल देता है, और इनपुट फील्ड्स में सारी वैल्यूज़ को दबा देता है, मतलब डाल देता है। तो जब भी फॉर्म के एक्शन में क्लिक होगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, पोस्ट मेथड होगा, तो रिक्वेस्ट वही जाएगी, इनपुट में वही सब है, आपका, आपके अटैकर का बैंक अकाउंट नंबर, IFSC या कितने फंड ट्रांसफर करने हैं, ये सब इनपुट फील्ड में है। और पोस्ट रिक्वेस्ट अगर कोई बैंक एक्सेप्ट करता है तो पोस्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता है, पोस्ट में भी CSRF वल्नरेबल है। और जो नेक्स्ट पैरामीटर्स होते हैं, पुट होता है या डिलीट होता है, इसके लिए भी CSRF काम करता है, JSON ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इस केस में। तो कोई भी रिक्वेस्ट अगर अटैकर जनरेट कर रहा है, जैसे प्लेन गेट पैरामीटर्स हो गए या पोस्ट पैरामीटर्स हो गए या JSON फॉर्मेट में XML HTTP रिक्वेस्ट हो गई, ये सब कुछ जनरेट करता है अटैकर, और सिर्फ एक लिंक भेजता है विक्टिम को। बस एक लिंक से ही विक्टिम का बहुत नुकसान हो सकता है, हैकर का बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसे ही काम करता है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। और जाहिर सी बात है कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हो सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको ऐसे पैरामीटर्स गेस करने हैं जो बैंक एक्सेप्ट करता है, गलत पैरामीटर्स होंगे तो वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी रिक्वेस्ट। जैसे गेट पैरामीटर्स के जो पैरामीटर्स होते हैं, ये क्या है पैरामीटर्स के, नाम क्या है, आपको बैंक अकाउंट पे पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको किसी और से अगर काम करवाना है तो वो कैसे फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप विक्टिम को लिंक भेज रहे हो तो कैसे भेजोगे, ईमेल से भेजोगे या कोई सोशल मीडिया से भेजोगे, और वो उस पे लिंक क्लिक करता है कि नहीं, ये भी मैटर करता है ना। विक्टिम हर बार ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो लिंक पे क्लिक कर देगा जो भी आप उसे भेजोगे। तो अपने आप को भी जेन्युइन आपको प्रूफ करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए।
तो थोड़े बहुत लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन एक बार ये काम कर जाए ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सिर्फ एक लिंक क्रिएट करते हो आप और विक्टिम का सब कुछ जा सकता है इस चीज़ से, मतलब बेसिकली यही काम है। तो ये तो रिक्वेस्ट बहुत ख़तरनाक है ये अटैक जो होता है। और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग थोड़ा अलग है इससे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जो वेबसाइट वल्नरेबल है इससे उस पर आप स्क्रिप्ट इंजेक्ट करते हो और अटैकर की कुकीज, सॉरी विक्टिम की कुकीज को आप स्टील करते हो। इसमें कुकीज स्टील नहीं हो रही है, इसमें कुकीज वहीं हैं जहां वो होनी चाहिए। आप कुकीज का काम करवा रहे हो अपने फायदे के लिए, और एक्सेस में आप कुकीज को स्टील करते हो, खुद ही स्टील कर देते हो और खुद ही रिक्वेस्ट भेजते हो। तो एक्सेस ज़्यादा खतरनाक होता है इससे, लेकिन फिर भी CSRF की वल्नरेबिलिटीज आजकल पाई जाती हैं, एक्सेस एक कम पाई जाती हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो नेटफ्लिक्स था 2006 में CSRF से वल्नरेबल था, और 2008 में YouTube भी वल्नरेबल था इससे। YouTube के अकाउंट में अगर मैंने CSRF कर दिया तो मैं अपने अकाउंट से किसी भी यूज़र के अकाउंट में सब कुछ कर सकता हूँ। तो 2008 में YouTube भी वल्नरेबल था। अब ये सवाल है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने के लिए सिंपल सा जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, जांगो फ्रेमवर्क, वो ये टेक्निक अपनाता है कि हर रिक्वेस्ट पे अलग टोकन जनरेट हो। मैंने सेशन तो एक क्रिएट कर लिया है, लेकिन अलग से एक टोकन भी मैं स्टोर करूँगा, एक पर्टिकुलर रैंडम URI स्ट्रिंग मैं क्रिएट करूँगा जो हर रिक्वेस्ट के लिए अलग हो और हर रिक्वेस्ट के लिए पिछले वाले टोकन पे डिपेंड करता हो। अगर मैं चाहता हूँ, अगर वो बैंक है, वो बैंक CSRF से वल्नरेबल है, तो उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हर रिक्वेस्ट पे अलग टोकन जनरेट करे और मुझे उस रिक्वेस्ट पे, उस लिंक पे ही टोकन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे रिक्वेस्ट का टोकन तो पता नहीं है, उसकी सेशन को कि तो मुझे पता नहीं है, तो मैं ये फिर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि मुझे टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने रेफरल में, अपने लिंक में। मेरे पास है ही नहीं वो लिंक, तो मैं कैसे करूँगा। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास इतने सारे टोकन्स अलग अलग जनरेट करने के लिए फंक्शंस होने चाहिए। आप फंक्शंस लगाओगे, सर्वर फंक्शंस लगाएगा, चेनिंग फंक्शन लगाएगा, तो उसका टाइम वेस्ट होगा, उसके रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, तो ये स्लो हो जाता है थोड़ा। इसी के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एक और मेथड आया कि हम पूरे सेशन के लिए एक ही टोकन बनाते हैं, और फिर उस टोकन को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो URL है उसमें टोकन को ऐड कर देंगे। तो इसमें भी यही काम है कि आप टोकन बना रहे हो, उसको आपको URL में डालना पड़ेगा, तभी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। और मुझे टोकन तो पता नहीं है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, अटैकर कैसे बनाएगा टोकन, उसको पता ही नहीं है वो कैसे बनाएगा। तो यही काम है, ये भी हो सकता है प्रिवेंटिव मेजर, अच्छा प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। तीसरा ये है कि आप रेफरर को आइडेंटिफाई करो, मतलब वो रिक्वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। रिक्वेस्ट नो डाउट विक्टिम भेज रहा है, लेकिन वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, कहाँ से उसके पास लिंक आया, कौन से सर्वर से लिंक आया जो सर्वर अटैकर का है। तो ये अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कहीं और से आ रही है रिक्वेस्ट, तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कोई हैक हो सकता है, अटैक हो सकता है, फोर्जरी हो सकती है, तो उसको सर्वर ब्लॉक कर सकता है क्योंकि उसका सोर्स कुछ और है, भले ही उसे कोई और फॉरवर्ड कर रहा है। तो कुछ मेजर्स ये हो सकते हैं। तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी की वल्नरेबिलिटीज पाई जाती हैं बहुत कम, लेकिन एक बार ये काम कर गई तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से अलग कैसे है ये। सिंपली आप एक लिंक बनाते हो, एक URL, मालिशियस URL बनाते हो और जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसको भेजते हो ताकि वो रिक्वेस्ट करे, ताकि वो रिक्वेस्ट भेज सके, वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर सके। तो यही होता है सिंपल क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो मेरी अगली वीडियो तक देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।